हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 2.4 मेजरमेंट ऑफ मास। इस पूरे वीडियो में कुछ भी नहीं है मास का मेजरमेंट। आपको मालूम है कि जो उसका SI यूनिट होता है वो kg होता है। अब किलोग्राम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, मास इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ये किसी चीज़ पर के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता है। मीन्स कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर दो, तो उसका मास नहीं चेंज होगा। अब बोलोगे कि सर, मून पे तो वेट उसका 1/6 हो जाता है। नहीं, मून पर उसका वेट 1/6 होता है, बिकॉज वेट क्या होता है? मास इंटू mg होता है, मास इंटू ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ये जी चेंज होता है मून पे। जो मास होता है ना, वो किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका बेसिक प्रॉपर्टी है, जो कि चेंज नहीं होता है। आप 1 किलोग्राम के आइस को यदि मेल्ट हो जाएगा तो 1 किलोग्राम आइस 1 किलोग्राम वाटर ही बनेगा। वैसे ही 1 kg का आप कोई वो आयरन लो, उसको मेल्ट कर दो कम्प्लीटली, तब भी वो 1 kg का आयरन ही रहेगा। बेसिकली मास कभी भी चेंज नहीं होता है लोकेशन से, प्रेशर से और टेम्परेचर से। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? 1 kg को डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये यहाँ पर रखा गया है। और इसका जो प्रोटोटाइप है वो आपको प्रोटोटाइप हर एक कंट्री में दिया गया है। द प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड कितना हो सकता है, वो आपको अदर कंट्रीज में भी उसका प्रोटोटाइप इसका दिया गया है। इंडिया में कहाँ पर रखा गया है? तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली में रखा गया है। कभी NPL जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये किलोग्राम तो आपको हो गया कि बड़े साइज को जो आप मार्केट में कमर्शियल प्लेसेस के लिए सामान लाने जाते हो वहाँ पर यूज करते हो, लेकिन जब बहुत स्मॉल साइज से डील करते हैं हम लोग, लाइक एटॉम और मॉलिक्यूल से डील करते हैं, तो उस समय किलोग्राम आप यूज नहीं करते हैं। उस समय जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इनफैक्ट इट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU बोलते हैं। और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटॉम ऑफ कार्बन C6H12। अभी C6H12 क्या है? देखो, कार्बन का अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, आपको वो नहीं लेना है। आपको कार्बन का जो वो वाला कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट 12 है, उसका एक एटॉम लेना है। उसका 1/12 मास जो होगा वही आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेगा। इसमें बेसिकली आपको 6 प्रोटॉन का मास होगा, प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास होगा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन का मास होगा। इन सब के मास को जोड़ करके वो आपको एक एटॉम का मास होगा, और उसको आप यदि 12 से डिवाइड करोगे तो वही 1 एटॉमिक मास होगा। 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटॉम ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू आता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय बैलेंस, जो हम लोग ग्रॉसरी शॉप में करते हैं। लार्ज मास को हम लोग ग्रेविटेशनल मेथड से करते हैं कैलकुलेट, जो आप चैप्टर 8 में देखेंगे। स्मॉल मास ऑफ एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r होता है वो mv/qb होता है। जो रेडियस है ना, रेडियस ट्रेजेक्ट्री का, वो मास पर डिपेंड कर रहा है। और क्लियरली इसी कंसेप्ट का यूज करके आप मास ऑफ स्मॉल मास ऑफ एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निकालते हो बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्लियर है?
ठीक है। सो रेंज ऑफ मासेस, ठीक है, रेंज ऑफ मासेस आपको बहुत स्मॉल मास इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³⁰ kg। और ह्यूज मासेस ऑफ नोन यूनिवर्स, यूनिवर्स का मास 10⁵⁵ kg। तो यहाँ पर कुछ से ये रेंज दिए गए हैं। देखो पहले तो ये लेंथ का रेंज है अलग अलग, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रोटॉन का साइज़ क्या होता है, किस ऑर्डर का, एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज़ ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, टिपिकल वायरस का साइज, हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का साइज़ देखा था जो कि सन से अर्थ का डिस्टेंस था। तो इसको भी एक बार आप देख लेना, ठीक है, और इसको ऐसे हम लोग कर चुके हैं। और वैसे ही रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस जो है वो दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मास क्लियर है, प्रोटॉन का मास 10⁻²⁷ kg है। सो ये ऑलमोस्ट आपको कितना, इससे 1000 times बड़ा होता है, ये हेवियर होता है, यूरेनियम एटॉम इनफैक्ट इससे ज़्यादा होता है हेवियर, बिकॉज प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻²⁷ होता है और इसका 9 × 10⁻³ होगा। सो क्लियरली ये इससे बड़ा होता है। और यूरेनियम एटॉम का भी मास दिया गया है, रेड ब्लड सेल का, डस्ट पार्टिकल का, रेन ड्रॉप का, ह्यूमन का मास 100 kg रखा गया है। आप अर्थ का मास देखो 10⁻²⁵ kg, सन का मास देखो, मिल्की वे गैलेक्सी एंड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो सबसे हेवी मास है 10⁻₹55। सो बेसिकली जो मास है वो इन्हीं दोनों रेंज के बीच में होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं अगले वीडियो में मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।